गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 11 का नया टॉपिक जिसका नाम है दाब और द्रव और गैसें जो हैं वो अलग अलग वस्तुओं पर दाब लगाती हैं। इन सब के बारे में हम अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दाब की। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो दाब है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो उस वस्तु के द्वारा उस वस्तु पर लगने वाले बल के, और वो बल कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है उस पर निर्भर करता है। यहाँ पे अगर बल बढ़ता है तो दाब बढ़ता है, किसी वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब जो है घटेगा। जो दाब और बल हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, और क्षेत्रफल और जो दाब होते हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्षेत्रफल, जैसे हम बात करें, एक लोहे की कील है, ये लोहे की कील है इस तरह की, इसका ये वाला हिस्सा हम दीवार पे रख के इसको हथेड़े से पीटते हैं, इस पे चोट लगाते हैं तो ये दीवार में चली जाती है। यहाँ पे क्षेत्रफल है बहुत कम, और हथौड़े की चोट से जो बल लग रहा है उतना काफी दाब होता है जिसके कारण ये इसमें चली जाती है दीवार में। लेकिन अगर हम इसे उल्टा कर दें, इस सिरे को दीवार पर लगा दें और इस सिरे पे चोट लगाएं, तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, उतनी ही चोट हम लगा रहे हैं, लेकिन अब ये लोहे की कील दीवार में नहीं जा रही। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे ही हम इसको उल्टा करते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब जो है वो कम हो जाएगा, और दाब कम होने के कारण ये जो है दीवार के अंदर नहीं जाएगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम चाकू का देख सकते हैं। सब्जी काटने का जो चाकू है वो ऊपर से बहुत ही तीखा होता है, बहुत ही पतला होता है, वो इसलिए होता है कि क्षेत्रफल बहुत कम से कम हो, और हम सब्जी काटें तो जितना बल हम उस पर लगा रहे हैं क्षेत्रफल कम हो गया, अब जितना बल हम उस पर लगा रहे हैं जिसके कारण दाब बढ़ जाता है और वो सब्जी आराम से कट जाती है। कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यू हम उसको यूज़ करते हैं तो जो चाकू है उसकी जो ऊपर का हिस्सा होता है उसका क्षेत्रफल बढ़ने लग जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने के बाद जब हम सब्जी को काटते हैं तो वो ईजिली कट नहीं होती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो चाकू है उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसीलिए सब्जी ईजिली नहीं कटती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें किसी दलदल के अंदर, अगर कोई किसी दलदल में फंस जाए, अटक जाए, तो हमेशा अपनी बॉडी को जो है स्ट्रेट इस तरह की पोजीशन में लाएं जिससे आपका जो क्षेत्रफल है वो कम से कम हो। जैसे कि मैं अभी खड़ी हूँ तो मेरे जो पूरा क्षेत्रफल है वो केवल और केवल मेरे पैरों के जितना है, पैरों की जितना क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कम हो गया, क्षेत्रफल बढ़ने पे दाब बढ़ेगा और दाब बढ़ने पर वो जल्दी डूबेगा। तो अपनी जो बॉडी है उसको इस तरह की स्थिति में लाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्षेत्रफल बढ़े। तो जब भी जैसे पानी में कोई डूब रहा है या फिर कीचड़ के दलदल के अंदर कोई फंस गया है, तो अपनी बॉडी को इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि एक तो कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है तो इतने क्षेत्रफल पर उसका सारा बल लग रहा है, एक व्यक्ति टेढ़ा हो गया, अब उसका सारा बल है वो इतने पूरे क्षेत्रफल पे लग रहा है, क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब जो है वो घट जाएगा, और दाब घटने पर वो जल्दी नहीं उसके अंदर डूब पाएगा क्योंकि दाब घट जाता है। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति हो तो अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। और अगर आप देखते हो स्विमर है जो तैरते हैं, तैराकी जो होते हैं वो खड़े खड़े नहीं तैरते, वो पूरी बॉडी को फैला के तैरते हैं। इससे क्या होता है, वो अपनी बॉडी का क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब है वो कम हो जाता है। तो ध्यान रखें, किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला दाब है वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगा, एक तो निर्भर करता है उस पर लगने वाले बल के, और दूसरा निर्भर करता है उसके क्षेत्रफल पे। अब हम बात करते हैं जितने भी द्रव हैं, गैसें हैं, ये भी दूसरी वस्तुओं पर दाब लगाती हैं, और किस तरह से ये दाब लगाती हैं हम इन्हें कुछ एक्टिविटी से देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे निशान बनाए हैं। जो सबसे पहली गतिविधि दे रखी है उसमें दो परख नली ले रखी हैं, इस तरह की दो परख नलियाँ ले रखी हैं, और इनके दोनों सिरों पर यहाँ पे बैलून लगाया हुआ है। इस परख नली के अंदर हम इतना पानी डाल देंगे, आधी इसको पानी से भर देंगे, दूसरी परख नली उसको आधे से ज़्यादा पानी की भरेंगे। आधे से ज़्यादा इसमें पानी भर दिया और दोनों सेम साइज़ की हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बैलून है ये बहुत थोड़ा सा फूला हुआ है और ये वाला ज़्यादा फूला हुआ है, यानी पानी की ऊंचाई बढ़ने पर इसका दाब जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे पानी का लेवल, आधी जो परख नली है यहाँ तक पानी है, पानी कम होने से इसका दाब भी क्या हो गया, कम, और इसकी पानी की ऊंचाई बढ़ने पर दाब जो है वो बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज़, जल की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसमें, या फिर हम बात करें जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा इसका दाब जो है बढ़ेगा, पानी का स्तर जो है जितना लेवल ज़्यादा ऊँचा होगा उसके द्वारा लगने वाला जो दाब है वो उतना ही अधिक होगा।
यही कारण है कि जो पानी की टंकियाँ वगैरह होती है उनको ऊंचाई के ऊपर तरफ वहाँ रखा जाता है। और यहाँ पे ये जो एक्टिविटी, इसमें ये प्रूव आ रहा है यहाँ पे बैलून कम फूल रहा है जबकि दूसरे वाले में बैलून है वो ज़्यादा फूल रहा है। इसका मतलब पानी का जो तल है वहाँ पे नीचे की तरफ भी प्रेशर लगता है और पानी का जितना स्तर होगा उतना ही इसमें प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी एक्टिविटी है, उसमें एक प्लास्टिक की बॉटल ले रखी है इस तरह से और उसके अंदर पानी से इसको पूरा भरा हुआ है। यहाँ से एक नली गुजरी हुई है जिसके ऊपर बैलून लगा हुआ है, ठीक है। तो ये खाली बॉटल है, इसके यहाँ पे नली लगा दी, यहाँ पे बैलून लगा दिया, इसमें पानी भर देंगे हम। पानी भरने के बाद हम देखते हैं कि ये जो बैलून है ये फूलने लगता है। इससे ये प्रूव होता है कि जो जल है वो अपने और चारों तरफ भी बल लगाता है, केवल यहाँ पे नीचे की तरफ बल नहीं लग रहा, साइड में भी जो है द्रव है वो बल लगा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो जो जल है ये इस बोतल की दीवारों पर बल लगा रहा है बाहर की तरफ जाने के लिए, यहाँ पर ये जो जल है वो नीचे की तरफ जाने के लिए बल लगा रहा है। तो इससे इन दोनों एक्टिविटी से ये प्रूफ हो रहा है कि जो जल है वो दोनों तरफ, अगर हम बात करें नीचे की तरफ भी बल लगा रहा है, साइड में भी बल लगा रहा है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी तीसरी की। जो थर्ड एक्टिविटी है उसमें दिखाया गया है हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक की बॉटल लेंगे। ये हमने प्लास्टिक की बॉटल ली, इसमें तीन बराबर छेद करेंगे, हॉल करेंगे और इक्वल साइज में होंगे ये ए बी और सी, इस तरह से ए बी सी, और इसको किसी बर्तन के अंदर रख देंगे और इनके नीचे तीन ग्लास रखेंगे यहाँ पे ऐसे। पानी की बॉटल जो है उसको पूरा पानी से भर देंगे और तीनों जो हॉल हैं इसके ए बी सी तीनों को एक साथ खोलेंगे और कुछ समय तक के लिए उनको चालू रखेंगे, उसके बाद उन तीनों को एक साथ ही बंद कर देंगे। तो हम देखेंगे तीनों ग्लासेस में जो जल की मात्रा है, तीनों ग्लास में जो पानी की मात्रा है वो बराबर होती है। ध्यान रखिए, हम अगर आप चाहें तो इसको घर पे भी करके देख सकते हैं। तो एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, उस प्लास्टिक की बॉटल को आपको तीन बराबर एक ही स्तर पर, प्लास्टिक की बॉटल है उसके एक ही स्तर पर ये जो ऊंचाई है बराबर होगी, ठीक है। तो तीन इसमें छेद बनाएंगे और उन तीनों को बंद कर दीजिए, उसके बाद पानी की बोतल को पूरा भर दीजिए और भरने के बाद उन तीनों को एक साथ खोलिए और उनके नीचे कोई बर्तन रख दीजिए। आप देखोगे तीनों के अंदर समान मात्रा में पानी आता है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जल जो है वो एक, अगर हम बात करें ऊंचाई पर, अगर यहाँ पे जल का जो द्रव है उसका प्रेशर और यहाँ पे उसका प्रेशर जो है दाब है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ऊंचाई पर यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं पर जो जल के द्वारा जो दाब लग रहा है वो एक समान है। यानी समान ऊंचाई पर जो ध्रुवों के द्वारा लगने वाला दाब होता है वो समान होता है और जल की ऊंचाई बढ़ने पर दाब जो है वो बढ़ जाता है। जो जल होता है वो साइड में भी, यानी साइड में भी क्या करता है, बल लगाता है। तो यहाँ पे हमने बात की समान ऊंचाई पर जो द्रव के द्वारा लगने वाला दाब है वो समान होता है। अब हम बात करेंगे भिन्न भिन्न ऊंचाई पर द्रव के द्वारा लगने वाला जो दाब होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बॉटल ली, यहाँ पे हमने ये एक बॉटल ली, इस बॉटल में हमने तीन अलग अलग होल बनाए अलग अलग ऊंचाई पे ए बी सी, इसको पानी से पूरा भर दिया और तीनों हॉल बंद हैं और हम देखते हैं इन तीनों को एक साथ हम खोलेंगे तो हम देखते हैं ये वाला जो है इसके द्वारा जो जल बाहर की तरफ आ रहा है वो ज़्यादा दूरी तक जा रहा है, इसके बाद ये कम तक, और जो ये वाला है ये इस तरह से नीचे की तरफ गिर रहा है। यहाँ से इस बोतल से ये जो दूरी बढ़ने का मतलब है द्रव के द्वारा लगने वाला दाब जो है बढ़ता है, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं द्रव का दाब जो है वो कम होता जाता है और जल से जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं द्रव के द्वारा लगने वाला दाब जो है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में और इन दोनों में फर्क है, एक समान ऊंचाई पर अगर यहाँ एक होल बनाया, एक यहाँ बनाते, एक यहाँ बनाते, समान ऊंचाई पर द्रव का दाब समान होता है लेकिन अलग अलग ऊंचाई पर द्रव का दाब अलग अलग होता है, ऊपर सबसे कम, फिर बीच में उससे ज़्यादा और नीचे सबसे ज़्यादा जो है इनका दाब होता है। आज आपको जो है क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दाब को परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर दो है प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि समान ऊंचाई पर द्रव के द्वारा लगने वाला दाब भी समान होता है। तो जो मैंने आपको उससे पहले यहाँ पे जो एक्टिविटी बताई थी कि एक बॉटल लेंगे, उसके तीन बराबर स्तर पे तीन हॉल बनाएंगे और उन तीनों से ही जल की मात्रा समान मात्रा में आती है, ये आपको एक्टिविटी करनी है। किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।